हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग भी देख रहे होंगे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर फेस बिल्डर वाला वीडियो कैसे बनाया जाता है। इंस्टाग्राम जब भी आप लोग स्क्रॉल करते होंगे तभी देखते होंगे कि अपना फेस लेके दूसरा का फेस लेके कैसे वीडियो क्रिएट किया जाता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि फनी फेस बिल्डर वाला वीडियो आप लोग कैसे बना सकते हैं। मैं आपको सिर्फ तरीका बताऊंगी कि इस टाइप का वीडियो आप लोग कैसे बना सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, एकदम स्किप मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे बनाया जाता है, बहुत ही सिंपल तरीका है। आप लोग इसी टाइप का वीडियो बना के व्यूज़ भी कमा सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से इमेज डाउनलोडर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरीके का सब इंटरफेस खुलेगा। फिर आपको बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है। तो आप कोई सा भी बैकग्राउंड यहाँ पर ले सकते हैं जो आपको पसंद है। तो मुझे ये वाला पसंद है, मैं ले लेती हूँ। लेने के बाद फिर आपको ऑनियन PNG डाउनलोड कर लेना है, जिसमें हाथ मुँह नहीं बना हो उस तरीके का PNG आपको डाउनलोड करना है। तो चलिए मैं डाउनलोड कर लेती हूँ। डाउनलोड करने के बाद फिर आपको पोटेटो PNG डाउनलोड कर लेना है। अब जिस कैटेगरी पे जो वीडियो बनाएंगे उस कैटेगरी का आपको PNG डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको इंस्टाग्राम पे जाना है। इंस्टाग्राम पे जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको रील पे क्लिक करना है। रील पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। फिर आपको ये 3 डॉट जैसा यहाँ पर स्टार दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पर आपको फ़िल्टर का ऑप्शन आएगा। फ़िल्टर ऑप्शन में क्लिक करके आपको यहाँ पर सर्च बार में सर्च कर लेना है फेस बिल्डर। इसको सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, ये देख सकते हैं। इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसी से आप अपना फेस का वीडियो बना सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी एक्ट कर सकते हैं। आप इस तरीके का 15 सेकंड का, 30 सेकंड का जो भी आपको वीडियो बनाना है आप बना ले सकते हैं। तो मैं बना लेती हूँ। कुछ भी आपको समझाने के लिए मैं बना रही हूँ, तो मैं बना ली हूँ। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करके सेव पे डाउनलोड करके इसको डाउनलोड कर लेना है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। थोड़ा सेकेंड लगेगा डाउनलोड होने में, कुछ सेकेंड में डाउनलोड हो जाएगा। फिर आपको डाउनलोड कर लेने के बाद काइनमास्टर एप्लीकेशन को ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको 16.9 रिशो नहीं चूज़ करना है, 9.16 रिशो चूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप जो बैकग्राउंड लिए हैं उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर कुछ इस तरीका का इंटरफेस आएगा। फिर आपको इसको पैन जूम करके इसको छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद आप अपने हिसाब से इसको रख दीजिएगा। मैं इसको छोटा कर ली हूँ। फिर इसका लेंथ मैं इसको बढ़ा दूंगी। जिसका दूर वीडियो का लेंथ रहेगा आप उसी हिसाब से बढ़ा के रख दीजिएगा। फिर मैं लेयर पे क्लिक करके, मीडिया पे क्लिक करके जो मैं PNG डाउनलोड करके रखी थी उसको मैं ले लूँगी। तो प्याज मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसको ले लेने के बाद फिर आपको कुछ इस तरीके से छोटा बड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। फिर लेंथ को भी आपको इसके हिसाब से रख देना है। फिर आप लेयर पे क्लिक करके, मीडिया पे क्लिक करके फिर जो फेस का वीडियो आप बनाए थे उसको आपको ले लेना है। फिर इसी तरीके से आपको इसको छोटा करके एडजस्ट करके बिठा देना होगा। फिर इसका बैकग्राउंड हटाने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा क्रोमा की का। तो क्रोमा की में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एनेबल करना होगा। एनेबल करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना होगा। आप देख सकते हैं मैं कैसे एडजस्ट कर रही हूँ। आपको इसी तरीके से एडजस्ट कर लेना है। क्रोमा की से एडजस्ट हो जाने के बाद आपको फिर से दूसरा ऑप्शन में जाके फिर से थोड़ा एडजस्ट करना होगा। तो एडजस्टमेंट ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। फिर आपको इसका कलर सेम टू सेम करना है। तो इसको ऊपर नीचे करके इसका कलर एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। एडजस्ट हो जाने के बाद देखिए थोड़ा इसका कलर चेंज हो रहा है, तो सेट हो गया है। इसी तरीके से आप लोगों को सेट करना है। फिर इसका फेस अगर आपको बड़ा करना है तो इसी तरीके से आप इसका फेस थोड़ा छोटा बड़ा करके एडजस्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाती हूँ। देख सकते हैं कितना अच्छा बन गया है आपका वीडियो। आप लोग इसी तरीके से बनाइएगा। फिर मैं इसमें थोड़ा
नीचे परछाई दिखने के लिए। फिर मैं एक PNG डाउनलोड करके रखी हूँ, उसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। आप लोग भी PNG डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर मैं इसको नीचे इस तरीक़े से बिठा दूँगी। बिठा देने के बाद आप लोग देख सकते हैं प्याज का परछाई भी बन गया है, ओरिजिनल प्याज जैसा लग रहा है। देख सकते हैं हम लोग का वीडियो पूरा बन के रेडी हो चुका है। फिर मैं इसको सेम टू सेम रख दूँगी इसका लेयर। फिर मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाती हूँ। देख सकते हैं हम लोगों का वीडियो कितना अच्छा तरीके से बन चुका है। आप लोग भी इसी तरीके से बनाइएगा। आपको अगर नहीं पता PNG का बैकग्राउंड कैसे रिमूव किया जाता है, मैंने नीचे लिंक दे दिया है वीडियो का, आप लोग वहां पर जाके देख सकते हैं कैसे रिमूव करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत है आप लोग नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और भी अगर इस टाइप का वीडियो आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा छोटा सा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।